आरोप तो वही पार्टी लगाती है जिस पार्टी को लगता है कि अब हार हमारी होने वाली है। तो इससे तो स्पष्ट है बीजेपी के लोग अभी के कुछ देर पहले तक तो दावा करते थे, अब आरोप लगाने लगे। तो आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी हार का कारण लोगों के बीच परोसेंगे। जो हारने वाले होते हैं वही आरोप लगाते हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, मुजफ्फरपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी पर खूब तंज कसा है। बताते चले कि मोकामा और गोपालगंज में कल वोट जो है वो देना था और वोटिंग खत्म हो गई, जिसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि दोनों सीटों पर जो है महागठबंधन के कैंडिडेट जीतेंगे और हतोत्साहित कार्यकर्ता को बीजेपी झूठ बोलकर उत्साहित कर रही है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से रिजल्ट आएगा उसमें दोनों प्रत्याशी जो है हमारे महागठबंधन के उनकी ही जीत होगी, वही जीतेंगे। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, वो सुने आप लोगों ने। आरोप तो वही पार्टी लगाती है जिस पार्टी को लगता है कि अब हार हमारी होने वाली है। तो इससे तो स्पष्ट है बीजेपी के लोग अभी के कुछ देर पहले तक तो दावा करते थे, अब आरोप लगाने लगे। तो आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी हार का कारण लोगों के बीच परोसेंगे, इस कारण से हार हुई है तो हार उन लोगों ने मान ली, इस बात से तय है। अच्छा, जेडीयू और आरजेडी में विलय हो सकता है, बीजेपी का दावा है कि जल्द विलय होने वाला है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो यही कहने वाली पार्टी है ना, इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था ना कि देश भर में कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले बीजेपी रह जाएगी। तो वही लोग चाहते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास है उनकी ओर से, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग उनके जो हतोत्साहित कार्यकर्ता हैं उनके अंदर थोड़ा उत्साह भरना चाहते हैं झूठ बोल करके, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। कुमार मोदी का दावा है कि वो लिख के दे दे। अरे भैया कह तो रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो रहा है, निराश हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की बात झूठ बोल करके चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आ जाए, वरना कोई मतलब नहीं है उनके बयान का। क्या रहा है कीजिए ना, 5 देखिए 5 बजे तक वोटिंग होना है, फाइनल आने दीजिए कितना प्रतिशत होता है। एकदम जीत की उम्मीद क्या पक्का है कि दोनों जगह महागठबंधन जीते हैं? बीजेपी के संपर्क में है क्या, ऐसा आरोप लगाया गया है कि उनकी तरफ से कि बीजेपी के संपर्क में है? अरे भैया तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, और नेता संपर्क में नहीं है, बीजेपी के कई MLA हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में, बिल्कुल शामिल। अच्छा कुड़नी उपचुनाव पर क्या कहेंगे? कुड़नी उपचुनाव की घोषणा भी इलेक्शन कमीशन करे, इलेक्शन तो होना ही है, नहीं अभी हम जब गठबंधन महागठबंधन में जो निर्णय होगा उसकी बात करेंगे, अभी हम उसके पहले। तो आपने सुना जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, और जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर जब सवाल किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम बातें क्लियर कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए साफ कह दिया कि जो हारने वाले होते हैं वही आरोप लगाते हैं। देखिए बीजेपी लगातार हमलावर है बिहार के महागठबंधन की सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट जिस तरीके से आएगा उसके बाद पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। तो बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर पहुंचे, मुजफ्फरपुर के एक कार्यक्रम में लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है उसको लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि जो हारने वाले होते हैं वही आरोप लगाते हैं, इसीलिए बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को जो है उत्साहित करने के लिए तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, तो यानी कि झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं से। जो जीत होगी महागठबंधन के नेताओं की होगी दोनों सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि रिजल्ट के बाद कौन जीतता है कौन हारता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।